जिले में स्कूलों के हालात बेहद चिंताजनक हैं। सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसी से आहत होकर आज मोहम्मदपुर गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि नूह विधायक आफताब अहमद कह रहे हैं। दरअसल नूह के राजकीय प्राथमिक स्कूल में सिर्फ 2 अध्यापक शिक्षा विभाग ने एनजीओ के लगाए हुए हैं और स्कूल में करीब 190 के करीब छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापक नहीं होने के कारण पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्कूल में ताला लगा दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से रेगुलर अध्यापक नहीं दिए गए हैं और न ही कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी गांव के स्कूल में निरीक्षण के लिए नहीं आते हैं। गांव में करीब 6 महीने पहले रेगुलर टीचर था, 6 महीने पहले उसकी रिटायरमेंट हो गई थी। उसके बाद से हमें कोई टीचर नहीं मिला है, जिसका हमने 2 बार पहले भी ताला लगा चुके हैं, जिसके ऊपर DDPO CRP दोनों आए थे यहाँ पे। उन्होंने उस टाइम के लिए 10 दिन के लिए टीचर दिया था, उसके बाद में फिर टीचर नहीं है, जिससे मिड डे मील भी नहीं चल पा रहा है, बच्चों के लिए लाइट की सुविधा भी नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हैं, 2 गेस्ट टीचर आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि रेगुलर टीचर नहीं है उनके पास, गेस्ट ना है, वो एनजीओ वाला एनजीओ के टीचर हैं दोनों। और हमने काफ़ी बार फ़ोन भी किया है, DDPO को भी फ़ोन किया है, DO को भी फ़ोन किया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार हम मेहुली के लिए भी जा चुके हैं, वहाँ CRPF उसके खलील अहमद से बातचीत हुई थी, उसने भी यही आश्वासन दिया था कि टीचर भेजेंगे, आप नाम दो हमें। नाम देने के बाद भी फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, हम यही चाहते हैं जी कि हमारे स्कूल में 4 टीचरों की रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यहाँ हमें टीचर दिए जाएँ जी। हम आपके माध्यम से यही सरकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें टीचर जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाए। स्कूल के छात्रों ने एक ही सुर में कहा कि वो सिर्फ अध्यापक की मांग करते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, 6 महीने से इस स्कूल में कोई नया टीचर नहीं आ रहा है, इसमें नया टीचर आना चाहिए। आज जो स्कूल में ताला लगाया, क्या किन वजह से लगाया, क्या कहना है बताओ? 6 महीना से स्कूल में टीचर ना आ रहा, पढ़ाई ना हो रही, ढंग से इसलिए ताला लगाया। वहीं नूह विधायक आफताब अहमद को जब स्कूल में ताला लगाने की बात पता चली तो वो स्कूल में पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर रखा है। पिछले 10 वर्षों से यहां के सरकारी स्कूल व्यवस्था को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। विधायक का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से मेवात जैसे पिछड़े इलाके में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को अपग्रेड किया था, उस पर भाजपा सरकार पलीता लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करने में लगी है। बार बार चेताने के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ना तो संज्ञान लिया, ना कोई ऐसा साइड पर जाओ इन बच्चों को, ना कोई ऐसा कदम उठाया जिससे सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने, ग्रामीणों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई करे। और ये जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लाखों पद पूरे हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली हैं। और जहां तक बात करते हैं अपने ज़िले मेवात नूह की बात करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जानबूझकर बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्षों से यहां की जो सरकारी स्कूल व्यवस्था थी उसको जानबूझकर शरारतन जो है उसको बर्बाद कर रखी है। और इसका ताज़ा उदाहरण इसी बात का है कि आज ये है मेवात में पूरी तरह शिक्षा का जो है व्यवस्था को बहाल करें, क्योंकि यहाँ जो DO आते हैं कोई तो जेल में जाता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना पड़ा है। स्कूल में शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ तो नोट कमाने के लिए आ रहे हैं अधिकारी। शिक्षक जो है उनको अपने मनमाफिक जो है वो देते हैं। क्या गांव ने बिगाड़ा है कोटला ने, क्या गांव ने बिगाड़ा है मोहम्मदपुर ने, जिनको शिक्षक नहीं मिले। हम इस व्यवस्था को आज कहते हैं कि अपनी या तो व्यवस्था ठीक करो, नहीं तो हम जनता के साथ मिलके इनका जो भी संघर्ष होगा उसमें संघर्ष देंगे। आज इन्होंने ताला लगाया है, दुखी होकर ताला लगाया है,
तंग आके ताला लगाए, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार तुरंत इसका संज्ञान ले और तुरंत से तुरंत अध्यापक भेज के, रेगुलर अध्यापक भेज के इस स्कूल की व्यवस्था को तो कम से कम शुरू करें, और जगह की व्यवस्था को इनके बस की नहीं है शुरू करना। तो मैं इस आपके माध्यम से इस बात का संदेश जो है राज्य सरकार को देना चाहता हूं। विधायक ने सरकार को ये भी चेतावनी दे डाली है कि अगर भाजपा सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करती तो वो जनता के साथ मिलकर सरकार की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नूह से एके बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।